टर्की के ऊपर हमला किया है, दिखाओ जरा। इसको लेना है, आ जाओ इसको। यस, इधर आओ, सिट सिट, गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। अच्छा यार, आज कुछ सरप्राइजेस आए हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसको नहीं देखना, ये देखो, ये हमारे टर्की बर्ड्स, और ये देखो कितने सारे, ये तो हमारे अपने पुराने वाले चूज़ हैं शादी। कौन से ये वाले? ये वाले हमारे पुराने। ओ, वो रहे, सॉरी, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं कभी कभी। ये देखो गाइस, ये हम लेके आए काफ़ी सारे चूचूज, इसमें सिल्की है, ब्लैक पॉलिश है। हेलो, ओए एक ढीला है शादी में, ब्लैक पॉलिश, ये देखो। अच्छा नहीं, सोया हुआ था, टेंशन होगी यार। ये असल में ना मसला पता क्या होता है, मार्केट से जब भी कोई चीज़ लेके आना बड़ी टेंशन होती है। पहले एक दो दिन अगर ये सही तरह सर्वाइव कर जाए ना तो फिर ठीक होता है, वरना भाई जान जो कुलाड़ी होती है ना सर के ऊपर टंगी होती है। बरहाल यार, ये हमारे पास आए हैं और टर्की बर्ड्स भी हैं, और रात को भाई जान एक दुर्घटना घटी। मसला देखो, अगर पक्के 100 गांव के फॉलोअर हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस रुकावट का इस मैना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इधर हमारे टर्की के ऊपर हमला किया है, दिखाओ जरा, और उसकी हालत बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, चूँच पकड़ के उसकी देखो कहाँ से उसने काटी है, और ये देखो, ये देखो, ये देखो चूँच, चूँच नीचे से खा गई है इतनी को यार। ये वैसी किस्म की तोती है ना, जिसकी इसकी शक्ल देखो, दहशत गर्दी है। और एक और मसला हो गया, क्योंकि हम चूज़े काफ़ी सारे लेके आए थे, तो हमें एक साइड पर हो जाए बेटा, साइड पर हो जाओ, चलो। हमें एक और चूज़ा मिला जो कि बहुत छोटा था, तो हमने उसको भी अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट तो नहीं खैर ले लिया है, तो परचेज किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस चूज़े की भी ना कंडीशन बड़ी ख़राब है, ब्लैक पॉलिश का गाइस, और ना उसको हमने छोड़ा था बड़े चूज़ों के साथ, बड़ों के साथ आया था। तो ये देखो सर के ऊपर क्या किया उन्होंने, सारा का सारा चूंचे मार मार के सारे बेचारे का ताज इन्होंने सारा ख़त्म कर दिया। ये भी शुक्र हुआ सुबह सुबह हम जब कमरे में आए ना तो ये सामने पड़ा होता, तो उसको उठा के हमने लगा दिया। लगा दिए इसके? हाँ, पायोडीन वगैरह मैंने लगा। चलो जाओ जूजू, छोटे बच्चों के साथ जाओ, भाग जाओ। जी अंडे उठाओ, अंडे उठाओ, अंडे भी रखे यार हैचरी के अंदर। गंदी गली, शाज़िल खुदा का खौफ करो, इसको भैंको, इसका रंग देखो, ये फटने लगा, ये फटने वाला है, इसने फट जाना। ये कैकी के अंडे हैं, गंदी क्या की है देखो, कितना गंदा है यार, देखो अंदर क्या, इसको निकालें यार, सारे कैकी के जो अंडे ना, साशु नहीं बेटा, सारे अंडे निकालने पड़ने। और ये मेरे ख्याल एक अंडा फट, ये देखो ना काम हुआ हुआ है, अंडा फट गया अंदर, और ये दूसरे फटने थे भी। ये कैकी क्या अंडे दे रही है, बम दे रही है? खराब अंडे थे, हमने अभी अंदर रख दिए यार। अरे ऊपर से नीचे बरसे हैं भाई जान, ये देखो, हाँ जी ये देखो, ये ऊपर ही निकल रहा है, खोलो इसको बेचारे को, आज़ाद करो। ये देखो ये ऊपर ही गाय सारे के सारे, हमने तो जगह ही नहीं चेंज की। असल में ना यार, हमारे टीम के अंदर ना जेबी भाई जो हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि ये जो हैचरी है ना, इसके वो मेरे अलावा कोई हाथ ना लगाए। और जेबी भाई सीम से ना तकरीबन को एक हफ्ते से गायब है, आज क्या उन्होंने शाम को आना है, तो आके हमें पहले गालियाँ देंगे, उसके बाद फिर दोबारा कहेंगे फिर हाथ नहीं लगाना तुमने हैचरी को। होने लगी है, खोलो, आज जी लिटली बबो, लिटली बबो, लिटली बबो, आज आज चलो, कटो जी कटो इसको। गुड मॉर्निंग जी, आ गया हमारा चूचू शेप एंड साउंड। यार सारे के सारे अंडे ना नीचे रखो, भाईजान पहले काटेगी उसको, उसके बाद अच्छा मोनिका इस तरह करती है। यार इसको ना मुझे छील के दे देना चाहिए था, बेचारी अब जलील हो रही है, बेचारी को पहले स्किन उतारनी पड़नी है, फिर अंदर से उसको ओए छील लिया। देखो गाइस कैसे छील रही है, देखो कैसे छील रही है यार, है फिर
भाईजान एम ही नहीं है 95% ह्यूमंस। क्या बात है, क्या हुआ है, क्या बात है, चल के कैप्सूल का। ओए वाकई अंडा आ गया उस्ताद जी, मुझे ऐसे यकीन नहीं था ईवीओ इतना को असर करेगी। अंडा दे दियो गाइस, मुबारक हो यार बहुत बहुत, कांता भाई ने आज पहला अंडा दिया हमारा, और ये हमारे ईवीओ कैप्सूल से हुआ है। यार इसका अंडा, ओ भाई भाई सॉरी यार, देखो यार ये तो पागल हो गया डंडा। हर चीज का इलाज एक है, मौला बख्श गाइस, ये हमने मौला बख्श रखा हुआ है, और मौला बख्श से जो है ना ये रैम्बो बहुत डरता है। अब देखो मौला बख्श से डर रहा है ये। अबे यार स्ट्राइक आ जाएगी, यार स्ट्राइक आ जाएगी, इतना तड़पता है ना यूट्यूबर तो, कभी यूट्यूब वालों को भी लगता है कि भाईजान आपको जुल्म कर रहे हैं। दिखाओ, ओए यार, अच्छा छोटू अंडा है ये, पहला अंडा है ना गाइस, है ना, पट्टी जवान हुई है। हाँ पट्टी है, जैसे जैसे गाइस ज्यादा अंडे देगी तो अंडे का साइज जो होगा ना वो बड़ा होता जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हमें और आपको भी, कांता भाई बेबी ने एक एग्जो एग्ज दिया है। अंडा जो भी है ना ये हम इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखेंगे। हाँ क्योंकि गाइस ये छोटा अंडा है, इसमें से बच्चा जो निकलेगा वो वैसे ही फिजिकली कमजोर होगा। हम इसको देंगे मोनिका बेबी को। हेलो मोनिका, अंडू खा लो बेटा, आप सारे खा लो। नहीं भाई उसने भी केला खाना है। आपको लग रहा होगा कि काफी क्रूअल प्रैक्टिस की है मैंने, लेकिन यार दिस इज नेसेसरी। इस अंडे में से ना बच्चा निकलवाना उस बच्चे की जिंदगी को ना अजियत देने के बराबर है। और काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कोको कहाँ पे है, कोको कहाँ पे है, टिंकू इधर फिर रहा है, कोको कहाँ पे। ये भाईजान कोकू जो है ना हमारा चोरी हुआ है, और चोर जो है उनका नाम क्या है, जेबी भाई। यार उनका कोई दोस्त है, उसको सीलों का बड़ा शौक था, उसने हमारे टिंकू कोको देखे तो कहते यार आप कोको जो है ना वो मुझे दे दो। मैं कहा यार ले जो कोई बात नहीं, लेकिन हम बार बार उसको वीडियो में लेके आएंगे, तो कल हम जाएंगे या फिर परसों जाएंगे तो आपको मैं कोको दिखाऊंगा उनके डेरे के ऊपर। ए देखो हमारा टिंकू बेबी, हेलो टिंकू कहते हो, जवान हो गया है ना, कोको भी ऐसे ही हो गया होगा, कोको इससे बड़ा हो गया होगा। हाँ वो तो खुले मैदानों में फिरता है ना। आए यार, ओहो हो, वेरी मनहूस इज सिटिंग ओवर हियर, है बहुत मनहूस लग रहे हो तुम रॉय, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ रॉय बेटा। राव बेचारे की ना हालत टाइट है यार, गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा किया हमने इसको गंजा कर दिया, अब इसको थोड़ा सुकून आ जाएगा। इसका सांस लेने का स्टाइल अभी इतना जालिम है, तो इमेजिन करो जब इसने पूरा कोट चढ़ाया हुआ था तब इसका क्या हाल होता होगा। है हेलो रॉय, कैसे हो रॉय, तो गंदा लग लगा गुंडू बच्चा, और आंख की सोजिश शायद थोड़ी कम हो गई अब इसकी। जी, मैं तेल पड़ा हुआ तेल। हाँ मेरे बच्चे मसाज का कह रहे हैं, मसाज का। और टोंगे कैसे खोल के बैठे हुए यार पीछे, टाके सब बाहर को निकाली हुई भाई, काम चेक करो इनके हमारे मार्शल मेलो के। गाइस हमारे तोतूस भी बिल्कुल ठीक हैं, और मैं सोच रहा था कि हम ऐसा करते हैं अपने मास्टर केज में स्टिक्स नहीं लगाएंगे। मुझे पता है काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इधर स्टिक्स वगैरह लगाओ, स्टिक्स का आइडिया थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन एक कमेंट बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी आप मास्टर केज के अंदर ना ट्री लगाओ, तो यार हम अंदर ट्री लगाएंगे। ओके ठीक है, वो सूखा दरख्त नहीं, हम भरा हुआ लेके आएंगे, वो लगाएंगे, पत्ते खा जाएंगे सारे, तो खाने दो। ओके लेकिन हम रिसर्च करेंगे, अगर सूखा हुआ तो सूखा लगा देंगे, अगर दूसरा भरा हुआ मिल गया तो भरा हुआ लगा देंगे। ओहो ओए तोता नीचे आ गया, अभी मर जाना था तोते ने यार, डर के मारे तोता उसके पांव के नीचे आ गया था। वो तो नहीं डरता किसी से भी, वो इसके ऊपर बैठ जाता जा। हां ये गाइस ये इसका दोस्त है मेरा ख्याल है, ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं, चेक करो इन दोनों को कैसे। मोरू इसको कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मोरू ने तुझे एक चूंच मारी ना बेटा, तू एक लुकमा है उसके लिए, एक निवाला है सिर्फ, है सुई की तरह छाती से बाहर निकले। अच्छा यार अब आ जाते हैं हम अपने उस जानवर के ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा स्वीटी ओबो है, और मेरा पहला पेट था जो कि साशा। और काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि आपने इसको ट्रेन कैसे किया है, तो यार ट्रेन करने का तरीका इनको ना डॉगीज को बहुत कम उम्र से करना पड़ता है, मतलब 1.5-2 महीने का पपी हो आपके पास तभी वो ट्रेन होता है। और दो तरीके होते हैं ट्रेन करने के, एक तो आप उनको टॉय का लालच देते हो, दूसरा उसको खाने का लालच देते हो। आपने दोनों तरीके मेरे देखे हैं, दोनों तरीकों से ये टेम हो जाते हैं। बात साशा की डिटेल्ड वीडियो बनाने की, तो मैं अन करीब इसके ऊपर डालूंगा और आप सबको बताऊंगा कि मैंने इसको किस तरह ट्रेन किया था। अभी ये देखो बस ये भाईजान पाइप इसका जो है ना, ये टॉय है और ये इसकी मोटिवेटर है, ठीक है। अभी देखना, अब उसके उसको पता चल गया मेरे साथ ना टॉय के साथ खेलना, अब बैठेगी इधर, अभी देखना, हिलना नहीं है साशा इधर से, स्टे। ये चाहिए, ये लेना है आपने। और ये कोई दूसरा वर्ड नहीं अंडरस्टैंड करती, इसको सिर्फ एक वर्ड का पता है, वो है यस, ठीक है। अब जैसे ही शादल यस बोलेगा ये तब हिलेगी, वरना कोई कोई कुछ भी वर्ड्स बोलो। देखा, सिर्फ यस पे आएगी और किसी वर्ड पे नहीं आएगी। भाई हाँ ये ओली जो है हमारी, हाँ
इसके बच्चे काफी बड़े हो गए, कम से कम एक महीने के हो गए हैं। हाँ यार काफी बड़े हो गए, सारे को सारों के ना पर आ गए हैं और इनको अभी भी नहीं पता चल रहा कि ये हमारी माँ नहीं है। नहीं ओली को अब हम कबीरू के साथ छोड़ देने चाहिए ना, ताकि दोबारा कूड़ा को। लेकिन नहीं यार मैं अभी कह रहा हूँ ये बच्चे ना इसके नीचे ही पले तो अच्छा है। गाइस कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि क्या हम ओली के बच्चे अलहदा करें कि ना करें। मुझे तो लग रहा है यार बड़ी अच्छी फैमिली है, इकट्ठे फिरते रहते हैं, फिजूल में अलहदा नहीं करते इनको यार। चलो है? सही है, मैं तो कह रहा था कि काफी बड़े हो गए हैं। नहीं कुछ नहीं होता, इनको बड़ा होने देते हैं, बाद में अलग करेंगे। अभी यार बेचारी प्रॉपर फैमिली, ओली का भी दिल लगा हुआ है, उनका भी लगा हुआ है, अभी हम बीच में कबाब में हड्डी बने। चलो बस फिर सबका एक एक दिल लगा देते हैं। नहीं नहीं इस तरह नहीं, सिर्फ एक का लगाया। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।